सर पिछले मैं 2 महीने से परेशान हो रहा हूँ। मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी सन 2020 के अंदर, और मेरे पिताजी रेलवे से रिटायरमेंट हैं, 7 ईयर थे जो रिटायरमेंट होने के बाद उनकी डेथ हो गई। उनका पैसा है 11.5 लाख रुपये यहाँ अटका हुआ है बैंक के अंदर। इन्होंने बोला मुझे नॉमिनी करवाने के लिए नॉमिनी लेकर आओ, फिर नॉमिनी के अंदर इन्होंने कागज़ मांगे, बोले कि पार्षद सिजरा मांगा और 4500 रुपये के स्टाम्प लगे। सर सारा खर्चा कराने के बाद में, सब देने के बाद में, उसके बावजूद मुझे कहते हैं, बोले कि आप तुम तहसीलदार से लिखवा के लेकर आओ। सर मैं पिछले 2 महीने से इतना परेशान हो गया हूँ कि हाल के अंदर तारीख के अंदर कांग्रेस की सरकार है। सर मैं चाहता हूँ मेरी आवाज़ ठेठ अशोक गहलोत CM तक पहुँचाई जाए। मुझे बहुत परेशान कर रहा है इन बैंक वालों ने, और पिछले 2 महीने से मुझे चक्कर कटाए जा रहे हैं। बोले कि आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं। आज मैंने फ़ोन करके पूछा तो बोले कि इन्होंने मुझे जवाब दिया, बोले कि आपको तहसीलदार से लिखवा के लाना पड़ेगा। सर मुझे पहले बोलते थे मैं तहसीलदार से लिखवा लेता, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि चुन के हमने पार्षद जिनको बनाया कांग्रेस के लेटर पेड के ऊपर, इनको मान्यता नहीं दे रहे बैंक वाले। सर मैं इस चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और 20 तारीख को मेरे बच्चे की शादी है। सर 11.5 लाख रुपए हैं सर। आपका नाम बताओ। मेरा मोहम्मद रफीक मेरा नाम है, मैं तोपदड़ा धोबीघाट का रहने वाला हूं, और मेरे पिताजी ये रेलवे के अंदर ही नौकरी करते थे। उनकी सन 2020 में डेथ होगी सर। ठीक है।